पूरे देश में करवा चौथ के पर्व की धूम है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार भी करती हैं। करवा चौथ के अवसर पर बाजार गुलजार रहे। पूरे देश में करवा चौथ पर्व की धूम है, बाजार भी सज चुके हैं और खास तौर पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। डोईवाला के बाजार में भी काफी चहल पहल है, बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने पहुंच रही हैं। इस अवसर पर अध्यापिका मधु त्रिपाठी ने कहा कि करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, पर अब कई लोगों ने इसे शौक बना लिया है, जो कि सही नहीं है। करवा चौथ का पर्व हमारी संस्कृति है, हर सुहागिन महिला को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। सुहागनों के बारे में मैं क्या बताऊं, आज का जो हमारा समय आ गया है, शायद ये एक शौक के लिए हो गया, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सुहाग एक वो है जो हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। अब हमारे संस्कृति में ये आ गया है कि चलिए करवा चौथ किसी बहाने हमारे जो ये दुकानें हैं रंग बिरंगी सजी हुई होती हैं, महिलाएँ जो हमारी हैं वो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करती हैं। तो ये जो करवा चौथ का त्यौहार है, मुझे तो ये लगता है कि आज के समय में भी अगर इसे हम लोगों ने यहाँ तक चलाया है कि हम लोगों की कुछ नसीबी है, और हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं और हम करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।